Hey guys, welcome back to Indian Mom and Baby Care. आज हम बनाने वाले हैं अपनी बेबी के लिए बनाना प्यूरी. बनाना प्यूरी भी हम एज अ फर्स्ट फूड अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. बेबी बहुत ही इंजॉय करेगा बिकॉज खाने में बहुत ही ईजी जाता है बनाना. एंड बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो बेबी के हेल्दी वे में वेट गेन करने को बहुत हेल्प करता है. तो आप अपने बेबी को एज अ फर्स्ट फूड बनाना भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बिकॉज बेबी के वेट गेन करने में बनाना बहुत हेल्प करता है. तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरह से अपने बेबी के लिए बनाना प्यूरी बनाई है. बनाना प्यूरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक पका हुआ बनाना. ध्यान रखिए, बनाना पका हुआ ना होना चाहिए. अब हम इसे अच्छी तरह से पील कर लेंगे. पील करने के बाद हमें इसे छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेंगे. हमारे स्लाइसेस तैयार हो चुके हैं. अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और इस बनाना स्लाइसेस को उसमें ऐड कर देंगे. अब हमें इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करना है. तो चलिए ग्राइंड करते हैं. ये बनाना अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है. ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है. अब हम इसे एक बाउल पे निकाल लेंगे. आप इस तरह भी अपने बेबी को बनाना प्यूरी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. अगर ये थोड़ा थिक लग रहा हो, थोड़ा थिन बनाने के लिए हम इसमें ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ऐड कर सकते हैं. और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. तो ये तैयार हो चुकी है हमारी बेबी के लिए बनाना प्यूरी. गाइस, बहुत ही सिंपल है बनाना प्यूरी बनाना. आप भी इस तरह से अपने बेबी के लिए बनाना प्यूरी बनाइए और उसे इंट्रोड्यूस कराइए. बेबी बहुत इंजॉय करेगा. अगर आपको थोड़ा सा थिक लग रहा है तो आप उसमें ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ऐड कर सकते हैं बिकॉज बेबी को लेने में थोड़ा और ईजी जाएगा. एंड आपको थोड़ा ही बनाना है, थोड़ा ही इंट्रोड्यूस कराना है बिकॉज बेबी जो स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड, तो बेबी बहुत ही कम क्वांटिटी में खाते हैं. एक या दो स्पून भी खा रहा है तो लाइक सेलिब्रेट करने वाली बात हो जाती है आपके लिए. तो नर्वस बिल्कुल भी मत होइए. फ्रेश बनाइए, थोड़ा बनाइए, फ्रेश बनाइए, फ्रेश खिलाइए. रखा हुआ फूड बेबी को खिलाने में मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ. यहाँ मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ बिकॉज एलर्जी होने के चांसेस होते हैं. रखे हुए फूड को हम स्टार्ट कर रहे हैं बेबी को खिलाना, तो हम क्यों इतना बड़ा रिस्क लें. तो बेहतर है कि आप थोड़ा बनाइए, फ्रेश बनाइए और फ्रेश खिलाइए. ये था आज का वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. बाजू में बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरे चैनल के सारे अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए. तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक लिटिल देन टेक केयर, बाय बाय.